हेलो एवरी वन सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर टू ऑफ कॉमर्स पेपर वन तो लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी फीचर्स के बारे में बिजनेस के बारे में तो so अभी हम पढ़ेंगे स्कोप uh, के बारे में स्कोप ऑफ बिजनेस तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्कोप ऑफ़ बिजनेस में दो पॉइंट्स है नंबर वन इज़ इंडस्ट्री एंड नंबर सेकेंड इज़ कॉमर्स इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि अगर हम कहीं रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे करेंगे तो उसे हम इंडस्ट्री के बेसिस पे जानेंगे इंडस्ट्री क्या होती इंडस्ट्री क्या करती है बेसिकली इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज द इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोसेस करेंगे ये सारी चीजें हम इंडस्ट्री के कंसेप्ट में पढ़ेंगे तो स्कोप ऑफ बिजनेस जो है दैट इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पॉइंट्स नंबर वन इज इंडस्ट्री एंड नंबर सेकंड इज कॉमर्स अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड होती है तो बहुत सारे टाइप्स में इंडस्ट्री डिवाइड होती है जैसे कि प्राइमरी जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स इज अ वाइडर कंसेप्ट कॉमर्स में दो चीज़ें कवर होती है नंबर वन इज़ ट्रेड एंड नंबर सेकेंड इज एड्स टू ट्रेड ट्रेड का मतलब आप सभी जानते हैं दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प टू ट्रेड एनसिलियरी एक्टिविटीज टू ट्रेड मतलब जो भी सपोर्टिंग एक्टिविटीज ट्रेड को करने के लिए सपोर्ट करेंगी उसे हम एड्स टू ट्रेड के बेसिस पे जानेंगे तो फिलहाल अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री के बारे में फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था हमने फीचर्स के बारे में कवर अप कर लिया है

और अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स इज इक्वल टू ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड देखो एड्स टू ट्रेड की अगर बात करें पहले ट्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं देखो ट्रेड दो टाइप का होता है वन इज इंटरनल ट्रेड एंड अनदर इज एक्सटर्नल ट्रेड इंटरनल में अगर हम बात करें तो देर इज रिटेल ट्रेड होलसेल ट्रेड एक्सटर्नल की अगर बात करें तो एक्सटर्नल में वी हैव इंपोर्ट वी हैव एक्सपोर्ट एंड वी हैव इंटरपोर्ट ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले लेक्चर में कवर अप करवाने वाला हूँ जस्ट आपको अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एड्स टू ट्रेड का मतलब होता है हेल्प टू ट्रेड जैसे ट्रेड करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ज़रूरी होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें तो वेयर हाउसिंग मतलब गोडाउन ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है इंश्योरेंस है बैंकिंग सर्विसेज है एडवर्टाइजिंग है सेल्समैनशिप है मर्कन्टाइल एजेंट्स है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी चीज़ें हैं सो कॉमर्स इज अ वास्ट कंसेप्ट एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू कवर दैट इन वन लेक्चर कॉमर्स एंड कॉमर्स में हमने दो चीजें अभी पढ़नी है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड फिलहाल आज हम अभी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे इंडस्ट्री क्या करती है बेसिकली इंडस्ट्री वर्क्स अप रिलेटेड विद दिस सप्लाई साइड मतलब जितना गुड्स मार्केट में हमें सप्लाई करना है उसके ऊपर काम करेगी इंडस्ट्रीज सप्लाई करेगी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेगी जो सर्विसेज को और किस तरीके से सप्लाई करेंगे जैसे मार्केट में डिमांड होगा जो भी कस्टमर्स के हमारे एक्सपेक्टेशंस होंगे वॉट एवर एक्सपेक्टेशंस अवर कस्टमर हैव अकॉर्डिंगली वी विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड देन वी आर गोइंग टू सप्लाई इन द मार्केट तो ये पूरा जो ओवरऑल वर्क है ये पूरा का पूरा काम कौन करता है ये पूरा का पूरा काम करता है इंडस्ट्री तो अगर हम बात करें अभी प्राइमरी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे देखो मैं मैंने पूरा चार्ट इसमें डाला है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं देखो प्राइमरी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ये नॉर्मली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ पे रिलेट करती है जैसे कि दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स प्राइमरी गुड्स में राइस होगा कॉटन होगा फिश होगा व्हीट होगा मतलब अगर हम एग्रीकल्चरल रिलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें तो दैट इज़ बीन कंसिडर एज प्राइमरी इंडस्ट्रीज ठीक है एग्रीकल्चर और फिशिंग ये आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपने स्कूल डेज से भी पढ़ा होगा कि बहुत सारा इंडिया का पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है सो एग्रीकल्चर एंड फिशिंग ये दो चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्रीज में रिलेट करेगी तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड एग्रीकल्चर एंड फिशिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज सेकेंड पॉइंट में जाएंगे जेनेटिक इंडस्ट्रीज दिस इंडस्ट्रीज़ आर एंगेज इन द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स देखो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है जेनेटिक के बेसिस पे पॉइंट्स कवर होंगे जैसे कि कैटल ब्रीडिंग है पोल्ट्री है जो प्लांट की बहुत सारी नर्सरीज होती है देखो कैसे बहुत सारे नर्सरीज होती है जहाँ पर प्लांट का प्रोडक्शन होता है ये सारी चीज़ों का पॉइंट जेनेटिक इंडस्ट्रीज से डिवाइड होगा तो कैटल ब्रीडिंग की बात करेंगे कैटल ब्रीडिंग फिर एनिमल पोल्ट्री प्लांट uh, नर्सरीज ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा प्राइमरी इंडस्ट्रीज जहाँ पे आपको याद रखना है एग्रीकल्चर एंड फिशिंग जेनेटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में सारे के सारे पॉइंट्स कैटल ब्रीडिंग कैटल ब्रीडिंग होता है पोल्ट्री होता है फिर प्लांट नर्सरीज होता है एंड ऑल दिस पॉइंट्स आर बीन बेसिकली कवर्ड अंडर जेनेटिक इंडस्ट्रीज द थर्ड पॉइंट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज देखो एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे हम कुछ एक्सट्रैक्शन करने का काम करते हैं माइनिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्टिंग एनी काइंड ऑफ मटीरियल्स और मिनरल्स जैसे एल्यूमिनियम है ओर है बॉक्साइट है ये सारे जो मिनरल्स है ये कोल है इसको सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम जो इंडस्ट्रीज करती है दैट इज बीन कॉल्ड एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज तो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया प्राइमरी दे जेनेटिक देन एक्सट्रैक्टिव देन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत सिंपल है दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है हम कंज्यूमर गुड्स को बनाएंगे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाएंगे टेक्सटाइल्स केमिकल्स ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे टेक्सटाइल्स है जहाँ पे टेक्सटाइल्स uh, की अगर बात करें तो जहाँ पे कपड़ा कपड़ा बनेगा वहाँ से फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे प्रोड्यूस करके वो uh, बहुत सारे स्टेप्स के बेसिस पे जाके उससे फिर uh, कप, क्लोथ uh, बनेगा और वो उसमें वेरियस काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं तो टेक्सटाइल्स और केमिकल्स जिसमें वेरियस कैंडस ऑफ स्टेजेस होंगे उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बेसिस पे जानेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिजेस का डैम्स का रोड्स का तो ये सारे के सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जहाँ इन्वॉल्व होगी वहाँ पे हम ये इंडस्ट्रीज के बेसिस पे जानेंगे दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज तो दोज इंडस्ट्रीज हु आर इन एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में कवर होंगे एंड हमारा लास्ट इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है बिकॉज अभी अगर देखें तो सर्विस सेक्टर इज प्लेंग अ वेरी वाइटल रोल इन द मार्केट तो सर्विस सेक्टर जो है वो अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहा है और सर्विसेज जो कस्टमर्स को मिल रहे हैं उससे कस्टमर्स सेटिस्फाई होकर फिर से वो प्रोडक्ट परचेस करता है तो सर्विस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमारे कंट्री के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है जैसे अगर हम यहाँ सर्विस सेक्टर की बात करें तो होटल्स है ट्रेड टूरिज़्म है ट्रांसपोर्ट है एंटरटेनमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे सर्विस इंडस्ट्री में रिलेट करेंगे तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े दैट इज बीन रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इज टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वी हैव हैवर्ड ऑलरेडी फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज इंडस्ट्री इंडस्ट्री मतलब जहां पे रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हमने पढ़ लिए प्राइमरी इंडस्ट्री जेनेटिक एक्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस ओके सो ये था आज का हमारा पॉइंट तो हमने आज के लेक्चर में इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया पहले तो हमने क्या किया आ, स्कोप के बारे में पढ़ा स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ जो हमारा बिजनेस है स्कोप ऑफ़ बिजनेस के दो पॉइंट्स थे इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स तो मैंने इस लेक्चर में इंडस्ट्रीज़ कवर किया है अगले लेक्चर में मैं आपको कॉमर्स कवर करवाऊंगा थैंक यू वेरी मच अगले बार मिलेंगे बाय बाय टेक केयर